करेले के तीता आपको कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, इस तरह आप करेला को काट ले, पतला पतला काट ले, और इसमें नमक आप इस तरह मिला लें। नमक ज़्यादा भी मिलाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिलाकर आई इसको ऐसे ऐसे मिलावे, पहले मिलाइएगा तो इसका करवाहट जो है नमक के साथ निकलेगा, और कुछ इस तरह आपको धोना होगा। देखिए, इस तरह धोइए आप, मैस मैस के धोवे। इसका तीतापन कम करने के लिए आप नमक के साथ धोए, दो तीन पानी से आपको धोना होगा। इस तरह धोते रहें, दो तीन पानी से धोते रहें। धोकर आप इसको थाली में रख लें। रखकर इसका पानी आपको निकालना होगा। इसे देखिए, पानी कुछ इस तरह निकालते रहें। पानी निकालकर इसको 5-10 मिनट के लिए आपको पानी के पूरा निकालना होगा। कुछ इस तरह निकालने के लिए आप ऐसे ऐसे जो है छोड़ दीजिए, ऐसे किनारे करके छोड़ दे। इस सारा जो पानी है नीचे गिरना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए आपको छोड़ना होगा। इससे आपको क्या होगा कि आपका भुजिया जो है कुरकुरे भी बनेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा और तीता भी कम लगेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना भूलें। थैंक यू।